हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा ग्रीन गार्डन देखकर आपको अच्छा लग रहा है? मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है, जो मेरे प्लांट्स हैं वो झूम रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से झूम रहे हैं। ये देखिए पूरा जंगल नज़र आता है। और ये देखिए, ये स्टैंड मैंने खाली कर दिया है यहाँ से और इन्हें फिर से वहीं उसी जगह पर मैंने लगा दिया जहाँ पहले लगे हुए थे। और ये देखिए, इधर कुछ पॉट मैंने इधर लगा दिए हैं, कुछ पॉट मैंने उधर लगा दिए हैं। तो ये देखिए, ये मेरा कोचिया है और ये एक प्लांट जो है, देखिए कितना घना मैंने कर दिया। क्यों किया? ये एक ही प्लांट है। ये देखिए दो प्लांट हैं। ये देखिए, एक इधर है, एक इधर है। और ये इतना घना हो गया है, इसी में गीजर में जो लगा हुआ है ये, और एक इधर है। ये देखिए, सारे बंदरों ने ये यहाँ से, चार लगाए थे मैंने इसमें, दो एक यहाँ से तोड़ दिया और ये ख़राब कर दिया। और ये इतना घना सारा इसलिए हो गया क्योंकि मैं इसकी इस तरीके से पिंचिंग करती गई हूँ। ये देखिए ऐसे, तो क्या होता है कि दो शूट्स निकलती हैं हमेशा जहाँ से हम पिंचिंग करते हैं। तो जब ये छोटे छोटे थे तभी से ही मैंने पिंचिंग की और लगातार पिंचिंग करती रही हूँ इसकी। और ये देखिए कितना प्यारा और कितना घना सारा ये हो रहा है, एकदम गुड्डा लगता है ये देखिए। हम बचपन में इसको गुड्डा बोला करते थे और हमारे मम्मी पापा ने इसका नाम गुड्डा ही बताया था, तो हम इसको अब भी गुड्डा ही बोलते हैं। तो ये गुड्डा है और बहुत ही घना सारा हो रहा है। और ये देखिए कितने सारे ग्रीनरी मेरे गार्डन में फ़िलहाल है और बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और आज मैं करने जा रही हूँ रीपॉटिंग इसकी। ये देखिए, ये है एस्पेरिगस ग्रास और ये जो छोटी छोटी सी जो क्यारी होती है उसमें ये लगा हुआ है। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा, अब ये देखिए इस तरीके से इसको फूड नहीं मिल रहा है तो ये बर्न होना स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे देखते हैं कितने इससे गमले बनते हैं। और मैं मल्टीप्लाई कैसे करूँगी, अगर आपके पास भी है तो आप भी एक पौधे से कितने सारे पौधे आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा, इतना सा एक बंच लेकर आई थी, इसको छोटे से पॉट में था ये जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई। और अब देखिए कितना ये घना हो गया है, पूरा पूरा का पूरा इसने भर दिया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्यारी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से छोटी सी क्यारी है और ये इसमें लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे, अब देखिए ये बिल्कुल ओवरलोडेड हो चुका है और बस इसको अब जगह नहीं मिल रही है कहीं भी। मैंने ये थोड़ा सा उलट दिया है। ये देखिए ये क्यारी है इसकी। और मैंने देखिए दो प्लांट लगाए थे इसमें, एक इधर लगाया था, बीच में ये मैंने अगेव दिया था और इधर मैंने ये दिया था। ये देखिए एक प्लांट। और अब देखिए कितना सारा झुंड, सिर्फ इतना प्लांट मैंने लगाया था, इतना सा। और अब ये काफ़ी सारा जो है ये घना हो चुका है और क्योंकि रूट बाउंड हो चुका होगा, अब इससे पता लग रहा है कि रूट बाउंड हो चुका है, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, थोड़े से फूड की ज़रूरत है। तो इसको फूड ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये इसमें से निकालना पड़ेगा और इसके मल्टीप्लाई करूँगी। और जो एस्पेरिगस जो ग्रास होती है वो हमारी लिली फैमिली से बिलोंग करती है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था कि एस्पेरिगस ग्रास लिली फैमिली से बिलोंग करती है। क्यों बिलोंग करती है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रही हूँ आज। तो दिखाऊंगी मैं आपको इसकी रूट्स से, आपको पता चलेगा ये देखिए कि ये लिली फैमिली से बिलोंग क्यों करती है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और कितने सारे इससे मैं पौधे बनाती हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी, और एक्स्ट्रा पॉट्स मेरे बन जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कटिंग से जो है कोलियस ग्रो किया था मैंने ये। और ये देखिए दोनों कटिंग्स जो है बहुत अच्छे से चल पड़ी हैं, इनको लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं और ये बहुत अच्छे। इसकी कटिंग है, ये देखिए यहाँ से एक कटिंग मैंने यहाँ से ली थी, एक कटिंग मैंने यहाँ से ली थी, तो दोनों कटिंग मेरी बहुत अच्छे से चल रही हैं। अगर आपके पास कोलियस है किसी भी टाइप का है तो आप उससे कटिंग्स बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाई हैं।
तो फ्रेंड्स जो ये चीज़ है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, और मैं कट करके दिखाती हूँ आपको तोड़ के, या तो आप आरी से निकाल लीजिए या इसको ऐसे ही तोड़ दीजिए, ये देखिए। और इसको आर्चिक पकड़िए ज़रा, ये यहाँ से इसको ऐसे सुलझा लेंगे, क्योंकि ये उलझा हुआ, ये देखिए। तो मैं इसको सुलझा लेती हूँ, अब सूझा, ये देखिए ये पूरी तरह से उलझा हुआ है, और हम इसे सुलझा लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये बन गया है और एक ये बन गया है इसमें, और मैं अभी इसमें और भी और छोटे करूँगी इसको अभी। ये देखिए, इसको यहाँ से ना दो टुकड़े और कर दूँगी मैं इसके, तो पहले अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ से सुलझा लें इसे। ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही बुरी तरह से उलझा हुआ है ऐसे। अब ये देखिए, दो टुकड़े इसके कर दीजिए आप इस तरीके से, और चाहे तो आप आरी भी और चूहा रखिए, आरी आरी से नहीं टूटेगा। ये देखिए नहीं टूट रहा है यहाँ से, रुक जा, आरी से काट लेता हो गया। तो देखिए आर्चिक ने कर दिया। और जो मैं इसे बोल रही थी आपसे कि ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये देखिए, ये जो इसके ट्यूबर्स होते हैं, ये देखिए, इनके कारण ही इसको लिली फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करता है, क्योंकि जितनी भी लिली फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनमें इसी तरह के ट्यूबर्स होते हैं। ये देखिए छोटे छोटे से, ये दिख रहे हैं ना आपको, जैसे जड़ें जो होती हैं वो गांठ जैसी होती हैं, तो जिसमें भी ऐसी गांठ होंगी तो वो लिली फैमिली से बिलोंग करता है। तो एक प्लांट देखिए ये बन चुका है, आप इसमें से और भी छोटा कर सकते हैं, इसको भी आधा कर सकते हैं, और लेकिन मेरे को इतने ही चाहिए, तो मैं इसको ऐसे कर लूँगी, छोटे पॉट में लगा दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको ऐसे छोटे पॉट में लगा दूंगी, और एक ये मेरा इस तरीके से पॉट बन जाएगा, पॉट बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं इसको भी निकालती हूँ, और जो अगेव है ये इसको बीच में ही रहने दूंगी। ये देखिए ये निकल आया, और इसको भी मैं अलग से रिपॉट कर दूँगी इसको दूसरे पॉट में। और इसमें जो जगह है वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो इसकी मिट्टी है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, इसमें न्यूट्रिशंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। और बस अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालूँगी, खाद डालूँगी थोड़ी सी, अगर और कोई चीज़ जो है इसमें NPK वगैरह है वो डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी, तो इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी और इसको जगह भी मिल जाएगी, क्योंकि ये वाला एक देखिए छोटा सा मैं बस इतना ही लगाऊंगी इसमें अभी, तो ये क्या होगा कुछ दिनों में ये भर जाएगा पूरा जैसे ये भरा था। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितने मर्जी आप इसमें प्लांट्स बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो खाद बनाई थी और वही खाद है, ये फाइन खाद बन चुकी है, जो मेरे गार्डन की लीव्स होती हैं या किचन का वेस्ट होता है उससे मैंने ये खाद बनाई थी। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो है ये मैंने तीन पौधे ये बनाए हैं और एक पौधा उधर रखा है, चार गमले तो मैंने ये छोटे वाले बना दिए, और ये देखिए एक और ये दो,
ये दो और मैंने बना दी हैं जो पहले की तरह इसमें लगा हुआ था, मैं एक इधर लगा दूंगी, एक इधर लगा दूंगी और ये फिर से इसमें फैल जाएगी, मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको। तो आप भी एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये देखिए मेरे पास जब एक पौधा आया था ना, तो ये इससे भी आधा था, बिल्कुल इतना सा एक छोटे से पॉट में आया था ये, और जैसे ये पॉट है ना, इससे भी छोटा था, 3 इंच का पॉट था जिसमें आया था। और अब मैंने देखी कितने सारे पौधे बना दिए, लास्ट ईयर भी मैंने बनाए थे और जो मैंने अपने किसी फ्रेंड्स को दे दिए हैं। और अब देखिए, क्योंकि अब इसको एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और ये 4 हो गए, तो 2 पौधों में से मैंने 4 पौधे और निकाल दिए, यानी टोटल हो गए मेरे पास 6 पौधे। तो आप भी इस काम को ज़रूर कीजिए। अब मैं यहाँ पर ये डाल दूँगी और ये थोड़ी सी खाद डाल दूँगी इसमें, और ये फिर से दोबारा से बहुत अच्छे से होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इस तरीके से जो है मैंने इसको रिपॉट कर दिया है छोटे पॉट में। और जो इसका मिट्टी है उसमें रिवर सैंड की मात्रा आप ज़्यादा रखिए, क्योंकि इसको पानी पसंद नहीं होता। जिसमें भी छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, जैसे प्याज जैसी गांठ होती है या फिर आप कह लीजिए ट्यूबर्स जो होते हैं, उन प्लांट्स को कभी भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। प्लांट्स ऐसा होना चाहिए कि पानी डाला आपने और नीचे से निकल जाए, ड्रेनेज साथ के साथ हो जाए। पानी डेली चाहिए, शावर डेली चाहिए, लेकिन पानी ठहरा हुआ ना चाहिए। इसीलिए क्या होगा कि इसकी जो मिट्टी है, ये देखिए मैंने कितनी भुरभुरी जो रखी है, कंकड़ छोटे छोटे से रोड़ियाँ हैं वो भरी हैं इसमें, और रिवर सैंड मिक्स करी है और थोड़ी सी खाद मिक्स कर दी है। बस आप ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।